वीर पैलेस लागे, वीर पैलेस के नाल चंडीगढ़ रोड से एक लेडी आ जिहड़ी दिमागी एबसेंट आ। दो तीन दिन तो ना एकदम तुरी फिरदी आ, कपड़ा नहीं पाया, कदी किते कदी किते। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह जी। भुपिंदर सिंह बाई जी खड़े ने एस एच साहब के इधर भी करन, यानी कि बहुत सारे लोग इतने खड़े ने। इन्होंने सारे ने सानू कॉल की, वीडियो बना के भेजी। इतने एक भैन नगन अवस्था च पई सी, आ बिल्कुल बिना कपड़िया तो अल्फ नंगी। ये भैणा ने कपड़े पवाए आ अपने घरों लिया के। असी जी हुण देखो इत्थे पहुंचे हां मुंडियां कला चंडीगढ़ रोड दे उपर। इत्थों दी हजारां नहीं लखां ही लोग निकलदे हर रोज, इत्थों दी लखां ही। ते कल दी तां वीरे हुणी दसदे आ वी मतलब तां 24 घंटे तो वध समां हो गया बिना कपड़िया तो पई है भैण। एक इंसानियत दे नाते सरदार भुपिंदर सिंह जी हुणां ने भी साडे नाल संपर्क कीता, करणवीर ने भी कीता, होर भी वीरां ने, हां जी कैप्टन सरूप सिंह जी उन्होंने भी किया। सानू वीडियो बना के भेजी, दस्या यह भी मुलाजम ने, इन्होंने लिया के कपड़े पवाए। हुण जे सारे चाहण भी इहनू किसी जगह ते छड्डे आईए, इदां दी कोई स्पेस ही नहीं बनी हुई जिते असीं घट्टो घट इस भैण नूं जाके छड्ड सकीए। मैंने पानी पीला, तुसीं पिलाओ भैणे, लेडीज नूं करन दो। उपर बह जाओ भैने, कुर्सी से बह जाओ, बह जाओ भैने, इतने बह जा, चेयर से बह जा। हाँ भैने की ना तेरा, पिछले मारी रबड़ जी पा दो, रबड़ पा दो। इस कार्य के वास्ते असं अपने आप को बड़भागे समझते हाँ भी सच्चे पातशाह वाहगुरु जी ने सानू चुनिया, सानू ये ड्यूटियां बख्शिया भी इस तरह दियां भैणा साडियां मावां बच्चे बजुर्ग नौजवान वीर जिहड़े सड़कां ते रुलदे आ उन्हां दी असी एक कणका मात्र भी सेवा कर सकी। जानते हो आप इसको, जानते हो इसका घर वाला? वहाँ ड्यूटी करता है, वहाँ बर्मा ठेकेदार। कहाँ पे? बर्मा ठेकेदार। बर्मा ठेकेदार, वो कहाँ पे बर्मा ठेकेदार? पड़ता है जेके में, जेके स्टेट में। हाँ जी, इतने ही है उसका घर वाला। केड़ी गली च कर रहे हो? दसी कर दीजिए। इसका घर जेके स्टेट दे विच ना जी, बर्मा ठेकेदार आ। सुनिए, पहले इस गली में रहता था, ठीक, तो दूसरे गली में यहाँ से जब लाला बोला कि यहाँ से खाली कर दे भाई, तो खाली करके पता नहीं इधर ले लिया किधर ले। कोई बंदा है जरा, कोई उसके घर को जानता होगा, मैं गाड़ी में लेकर वाला है। उसका घर वाला से आप बात करिए। नंबर है उसका आपके पास? हमारे पास नहीं है लाला के पास, आप जाइए लाला के पास, चलिए। मैं नंबर है, अरे नंबर है कुड़ी को ले। इसको तीन बच्चे भी हैं। अच्छा, तीन बच्चा भी इसका, क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या नाम है बेटा इसका, दीदी का? इसका नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, इसके पति का नाम क्या है? इसके पति का हसीफुल नाम है। क्या? हसीफुल। हसीफुल यूपी से है या बिहार से? बिहार से। बिहार से है। हेलो, हेलो, कौन हसीफुल बोल रहा है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं हसीफुल से बात करना है, उसी का नंबर है? नहीं, ये दूसरा का नंबर। किसका नंबर है? उसी का नंबर है। हम पूछ रहे हैं, उसकी घरवाली के पास खड़े हैं हम लोग, ये थाना से भी खड़े हैं पुलिस वाले अंकल यहाँ पे, आप बात करवाइए उसके साथ हमारी। नहीं है, वो चला गया। कहाँ चला गया? हिमाचल। हाँ जी। और उसका फोन नंबर दीजिए आप, फोन नंबर बोलिए आप। उसका फोन नंबर, वो सिम तो मेरा लगा कर रखा था, तो मैं सिम ले लिया, वो जाएगा तब वहाँ लगाएगा तब ना पास करेगा। कब कब गया वो जी? कल गया, कल। तो घर वाली को इधर ही छोड़ गया? हाँ जी, नहीं गया तो उसको क्या करता, उसको चेक करना मारता? नहीं, उसका
मर रहा था सर। उसका इलाज करवा सकता था, हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकता था उसको। छोड़ दो, करवा दो आप, तो पुलिस आइए गया तो करवा दो आप ही सब। नहीं हम तो करवाएंगे, पर घर एक मेंबर परिवार का चाहिए। नहीं मैं नहीं जाने वाला। आपका क्या लगता है हसीफुल? हसीफुल क्या लगता है आपका? देवर लगता था। देवर? हाँ जी। जी आपकी दरानी है? हाँ जी। जो आपका घर वाला है वो कहाँ पे है? मेरा घर वाला कमरा पर होगा। कमरा पर गया है। ओके, गांव कौन सा है आपका वहाँ पे? कटिहार। कटिहार तो जिला है ना, गांव का नाम? गांव का नाम है वैसे तो बरसोई। कौन सा? बरसोई। बरसोई बरसोई। इस लड़की का नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी हा? तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। सुनीता से बात करो, बात करो बेटा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। हम तेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। अपनी अपनी जिठानी से बात कर लो बेटा एक बार। ये बिल्कुल बिना कपड़े के सड़क के ऊपर पड़ी है, बिना बिल्कुल कपड़ों के बिना। वैसे किया था तो देखा अंकल, मैं 9-10 बजे रात तक झंझर काटा, तब मैं गया कमरा भाग कर। जी मेरे को रोड पर दौड़ा दिया था, मार रहा था से। आप बहन जी पुलिस के पास चले जाते, कहीं तो जाते आप, इसका कोई इंतजाम तो करते आप। आप इसका कुछ नहीं करूंगा अंकल जी, अब छोड़ दो उसको, मरना है जीना है वह पर रहेगा। यही पे छोड़ दे हम भी, छोड़ दो। कोई आधार कार्ड मिल जाए हम इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं। ऐसे ऐसे दाखिल करवा दो, घोषणा करा देगा। लवारिस रखे हम इसको, लवारिस छोड़ दे। बहन जी इसके 3 बच्चे हैं, इसका पति का फर्ज बनता है इसको आके संभाले, ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता है। लवारिस संभाला बोला ना अंकल जी, उसको लवारिस में घोष दे तो हो गया बात। ये तो किसी गलते नहीं आ रहे जी। वेखो जी किदां दा है ना घोर कल युग चलदा। इस लेडी दा जिहड़ा हसबैंड आ पति आ उहदा फोन एक होर लेडी चक रही आ, वो कह रही है भी उहदा हिमाचल चला गया, भी वो नहीं आऊगा हुण, इह मरे जीवे छड़ दो इहनूं इत्थे, इसको छोड़ दो आप। इहदे बच्चे कित्थे आ? बच्चे हमारे पास है, गांव भेज दिया हमने। इह कौण आ? इह बारा कुछ नहीं लगती, जीए मरे हमें कुछ नहीं है। देखो वो बंदा कोले ही आ, क्योंकि उसका फोन नंबर वो कोले आ, तां मतलब वो कौने कित्थे जाना होर। पर अज दुख की गल यह आ भी अज दे इंसान की कीमत, अज दे इंसान की वैल्यू, अज दे इंसान दे विच बची हुई जिहड़ी इंसानियत आ वो किस लैवल तक चले गई आ, इन्हां तस्वीरां नूं देख के सानू भली भार दिखाई दिंदा। यह भी वो लोग ने जिहड़े अपने फर्ज नूं पछाण के इत्थे खड़े ने। साडे नाल करीब इन्हां दा भी 11-12 बजे की गल चलती है, 11-12 बजे तो साडे नाल रास्ते च ने बीरे होनी। इत्थे ही आसे पासे रह के इन्होंने 5-7 घंटे साडी वेट की, भैन उन्हां नूं सद के इहदे कपड़े पवाए, इन्हां साडियां धीआं नूं, इन्हां भैणां नूं, चाहे परदेसां चाहे जो भी मर्जी है तो इंसान ही आ। पता नहीं किन्नियां अखां ने इस भैण नूं कल दे कल शाम दी ये बिना कपड़ियां तो बैठी आ, किन्ने लोगों ने देखा वो इस तरह दी। अबला नारी जदों सड़क ते दिमागी अपसैट होकर इस तरह के हालात पहुंच जांदियां, रात का जदों नेरा हुंदा इन्हां नूं गिरदे, इन्हां नूं वो घटिया दरिंदे आके नोच नोच के खांदे आ। अज ये बिना कपड़ियां तो नहीं सी पई, ये बेइज्जत हुई साडी छोटी भैण। सानू शर्म आनी चाहिए, असं इस समाज का हिस्सा वा, मॉरल वैल्यू ने साडियां जिहड़ियां उन्हां नूं पछाण के हर एक बंदे नूं अपना फर्ज समझना चाहिए। वाहिगुरु कृपा करन, सच्चे पातशाह दे घर वालिआं नूं समत बख्शण, साडे सुपनिआं दे घर विच लुधियाणे शहर दे बाहरले पासे पिंड हसनपुर दे विच असीं इस भैण नूं लैके जा रहे हां। उत्थे इहदा दिमागी ट्रीटमेंट शुरू होगा, ठीक होके भैन अपना घर बार एड्रैस दसन योग हो जाएंगे। उस तो पहला जे तुसी दस सकते हो, जे जानते पहचानते इस चेहरे नूं, तां तुसी भी साडे नाल जरूर संपर्क करो। चलो भैने मुन्नी, चलो बहन फड़ो भैने, बिठा लो बिच भैने ठीक करके।
पहले तो आपका सुधीरा बहन बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पता चले इनके बारे में, इसके पति के बारे में, तो प्लीज आप हमें नंबर, आप हम आपका आपको नंबर देते हैं अपना। आपको कुछ पता चले, आपका नाम नहीं आगे आएगा, हमारे नंबर पे फोन करके बताना। मुन्नी जो आप मुंडिया से लेके गए थे उसके बारे में जो भी आपको मिलेगा इनको बता देना आप। यानी कि इसको जो कपड़े वपड़े फाड़ के इसका वो घर वाला ही गया है। बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हाँ जी मैं तुम दाम करना अब भुपिंदर सिंह जी से तुम माड़ी कर दो सैन अपना नंबर पा दो नाले। ठीक है भाई जी, सत श्रीकाल। नहीं नहीं कोई गल नहीं, ठीक है भाई जी, बहुत शुक्रिया सारे का जी, बहुत धन्यवाद सारे का। ठीक है भाई जी, वाहेगुरु जी का खालसा।